नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का आज लखीमपुर दौरा, भाजपा करेगी केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत। यूपी एटीएस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, धर्मांतरण मामलों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पश्चिमी यूपी से किसानों का दिल्ली कूच, किसानों की ट्रैक्टर रैली मेरठ पहुंची, 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर की तैयारी। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 178 अंक की तेजी के साथ खुला। पीयूष गोयल ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय, संघर्ष करने वालों को किया याद। बढ़ते आगे और करते हैं शुरुआत खबरों के साथ। कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही अब किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही। रिहर्सल के लिए दो दो जिलों को ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर करीब 50 ट्रैक्टर में सवार 1000 किसान गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल के लिए रवाना हुए। पहला मार्च 25 जून यानी कि आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। नरेश टिकैत की अगवानी में ये ट्रैक्टर मार्च पहुंचेगा, तो वहीं आने वाली 26 जून को बड़ी महापंचायत की भी घोषणा की गई है। यही नहीं, महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के साथ ही संयुक्त किसान संगठन बड़ी रैली भी निकाल सकते हैं। भाई अरुण राणा, सहारनपुर जिले का नक्कल कस्बा यू, और यहाँ से दिल्ली पड़ेगा यू 250 किलोमीटर गाजीपुर बॉर्डर, और वहाँ टिकैत साहब का डर आ गया कि दो जिलों के भागे चले आओ। तो आज जो है यहाँ से 40-50 ट्रैक्टर जा रहे हैं नक्कल से देवबंद, और देवबंद से मुजफ्फरनगर, और फिर उस सीधा शिवा टोल प्लाजा पर रात्रि विश्राम होगा, और यहाँ से कम 1000 आदमी यहाँ से चल रहा है। 50 ट्रैक्टरों पर ट्रालियाँ आ रही बड़ी बड़ी लंबी, और आपके सामने हो गए सारे, आप टेलीविजन में आप दिखा दियो। भैया मोदी की सरकार जैसी बनाई थी ना इज्जत सेती, या इज्जत सेती तार कैसे आज मैं यहाँ से यहाँ जाना। अच्छा, मुजफ्फरनगर पहले से मुजफ्फरनगर बैलना चौक पर मीटिंग होगी सुबह के, होगा किसानों का, यहाँ से फिर आगे जाएंगे, फिर 26 तारीख में मीटिंग होगी बड़ी गाजीपुर बॉर्डर पर। सरकार को दिखाना ये नकली किसान है कि असली। इब किसान ने गन्ने गुन्ने की फसल बोए ली, सब काम निपट ले, गेहूं उठा ली, इब ट्रैक्टर दिखा। तो काशीपुर पर कृषि कानून के लिए जो ये है अब आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, इसी पर हमारे संवाददाता सुहेल गौर जुड़ चुके हैं। सुहेल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रिहर्सल हो रहा है दो दो जुलाई को ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर आने का आह्वान किया गया है, तो एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है वो तूल पकड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राकेश टिकैत के आह्वान पर जो है कल सहारनपुर से, और सहारनपुर के साथ साथ आस पास के जो दो जिले अन्य हैं शामली और मुजफ्फरनगर, यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो है किसानों ने जो है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच किया है, और राकेश टिकैत ने जो है एक लंबी जो है पारी खेलने की सोची है, और उसी के अंतर्गत जो है उन्होंने 26 तारीख जिसका एक विशेष महत्व है जी। 26 तारीख जो है पिछले अगर देखा जाए 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा हंगामा दिल्ली के अंदर बरपा गया, मार्च निकाला गया, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का फिर से प्रयास है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान एक तरह देखा गया था तो किसान आंदोलन कोरोना काल के दौरान ठंडा रहा था, और एक वजह ये भी रही थी कि किसानों की कुछ फसलें हैं जो फसल उन्हें अपना जो पक गई थी और उन्हें काटनी थी और बेचनी थी, अब किसान उन सब चीजों से निमट चुका, तो एक और बार दोबारा गाजीपुर बॉर्डर की तरफ राजेश टिकैत के आह्वान पर निकल चुका है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 25 मार्च यानी आज 50 ट्रैक्टर में सवार 1000 किसान ऑलरेडी पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, तो सरकार की तरफ से भी गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारियां दुरुस्त की गई होंगी?
जी बिल्कुल कृति, सरकार तो चाह ही रही है कि किसी तरह किसी न किसी तरह इनसे बातचीत के जरिए या किसी भी अन्य दबाव के जरिए जो है इनके आंदोलन को या तो समाप्त किया जाए या इन्हें समझाने का प्रयास किया जाए कि किसी तरह ये समझने के बाद अपने इस आंदोलन को जो है खत्म कर दें। लेकिन जिस तरह से टिकैत और अन्य जितने किसान नेता हैं उन्होंने जिस तरह से इसे लंबी रेस तक चलाने का, यहाँ तक की बात की जा रही है कि टिकैत राजेश टिकैत जी ने कहा है कि अगर हमारी तीनों जो मांग है, जो तीनों काले कानून है, कृषि कानून, अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो ये आंदोलन जो है 2024 तक चल सकता है। मतलब इतनी लंबी सोच जो है किसान नेताओं की है जो कहीं ना कहीं जो है सरकार को दबाव में लेने का एक प्रयास है। बिल्कुल सोहेल, बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर पर जानकारी देने के लिए भी। तो कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर जो किसान आंदोलन है वो तूल पकड़ता जा रहा है और उसी को लेकर 50 ट्रैक्टर आज गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज हो रहा है और किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तो इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। वही सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब देवबंद नगर में भाईला चौकी पर तैनात सिपाही धीरज चौधरी की अज्ञात कारणों के चलते गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पहुंचकर देखा तो सिपाही का शव खून से लथपथ बेड के पास पड़ा था। वहीं सिपाही की सर्विस रिवॉल्वर भी पड़ी मिली थी। घटना के समय कांस्टेबल की पत्नी और 5 साल की बच्ची भी मौजूद थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव और सर्विस रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक देवबंद थाने में भाईला चौकी पर सिपाही था जो कि आज इसके गोली लगने की सूचना थी। प्रथम दृष्टया देखने पर ये सुसाइड का मामला लग रहा है, बाकी इसमें हम ठीक है। सोहेल, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट अभी इस मामले मिल पा रही है, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, किन कारणों से कांस्टेबल की मृत्यु हुई है या हत्या की गई है? बिल्कुल कृति, मैं आपको बताना चाहूंगा ये थाना देवबंद क्षेत्र के भाईला चौकी का मामला है जहाँ पर एक सिपाही पिछले जो है 5 महीने से यहाँ पर पोस्टिंग उसकी हुई थी और उसने किराए का कमरा विवेक विहार में ले रखा था और परिवार संग रह रहा था। बीते जो है 11 बजे के बीते दिन की जो है 11 बजे की घटना है कि अचानक गोली चली। गोली चलने से आसपास के लोग वहां पर जब पहुंचे तो देखा कि कौन से लगभग सिपाही वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा। पुलिस ने आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कारण सभी जानना चाहते हैं लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि SP जेहाद का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तो डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, आत्महत्या के साथ भी इस मामले को जोड़ के देखा जा रहा है लेकिन हत्या की जो है घटना को भी मना नहीं किया जा सकता और उस कोण से भी जांच की जा रही है। जी कृति, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो सिपाही की हत्या हुई है या मृत्यु, ये अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, इसको लेकर पुलिस जो है वो सतर्क है क्योंकि पुलिस महकमे में भी कहीं ना कहीं सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है तो उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है जिसकी पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं शाहजहांपुर में रामगंगा का लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद पानी खेतों से होता हुआ अब गाँव में भी घुसना शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से वाहनों का आवागमन हो रहा है रोड पर और गंगा का जलस्तर बढ़ने से राहगीरों और ग्रामीणों को किस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस वजह से ग्रामीणों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। गंगा की तेज धार के कारण कई खेतों की फसलें भी नष्ट हो गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी गांव के रास्तों में भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक ग्रामीणों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, इस वजह से लोगों को खाने पीने और राशन जैसी चीजों की भी भारी किल्लत हो रही है। तो गंगा का जल स्तर बढ़ने से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन, खाने पीने और राशन जैसी चीजों की भी भारी किल्लत हो गई है। तो ये रास्तों पर पानी जो है गंगा का वो जलस्तर बढ़ने की वजह से आ गया है और आगे भी अगर बारिश होती है तो जलस्तर और भी बढ़ेगा जो और भी बड़ा खतरे का संकेत देता है। वहीं इस खबर पर संवाददाता अरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है अभी फिलहाल? अरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? ठीक है,
तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस पानी के भरे हुए पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। अरिंद, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क करने में शायद तक दिक्कत आ रही है, लेकिन बता दें कि शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए कठिनाइयां भी उसी कदर बढ़ती जा रही हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मंजिला इमारत को सील कर दिया। बता दें कि बिल्डिंग के ओनर नूर मोहम्मद को पहले भी मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण को लेकर आरडीए द्वारा नोटिस तमिल किए जा चुके हैं। लगातार नोटिस के बावजूद भी भवन निर्माता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ना ही प्रशासन के नोटिस का वाजिब जवाब दिया गया, और जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने बिल्डिंग को सील करने का आदेश दे दिया। नगर मजिस्ट्रेट राम मिश्र के अनुसार बिल्डिंग में मानचित्र के विपरीत बेसमेंट और अन्य दो तल बनाए गए हैं, जिस पर नोटिस के बावजूद भी भवन मालिक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद आरडीए ने बिल्डिंग को सील कर दिया। अब भवन निर्माता को विपरीत मानचित्र के लिए शमन शुल्क अदा करना होगा। ये मुर्तजा इंटर कॉलेज के सामने इनकी बिल्डिंग जो कि पूर्व से निर्माणाधीन थी, हालांकि अभी ये पूरी हो चुकी थी, इनके द्वारा भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पे निर्माण जो कराया गया है वो इनका जो प्लान लेआउट था उसके खिलाफ कराया गया था। इनको पहले भी नोटिस तामिल कराए जा चुके थे, यद्यपि इन्होंने नोटिस तामिल कराए जाने के उपरांत ये आश्वासन दिया था मई एफिडेविट कि हम उस लेआउट के विपरीत जो बनाया गया है उसे तोड़ देंगे। इनके द्वारा वो नहीं तोड़ा गया था, जबकि इनको नोटिस पहले भी कई दिए जा चुके थे। उसी क्रम में आरडीए द्वारा आज उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद 5 में कई नई खुलासे जांच में सामने निकल कर आए हैं। एटीएस को शक है कि धर्मांतरण करने वाले इस रैकेट को विदेशों से भी अनुदान मिलता था। इसके अलावा एजेंसी इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का संबंध इस रैकेट के साथ है या नहीं। उधर डासना देवी मंदिर में 2 लोगों के भोजन के आरोपी सलीमुद्दीन को रिहा कर दिया गया है। उनसे साफ कहा गया है कि उसका धर्मांतरण रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। वहीं गिरोह के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों से तार जुड़े होने की आशंका भी सामने निखर कर सामने आ रही है। धर्मांतरण के तार जौनपुर से जुड़े हो सकते हैं। बता दें कि जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में लगभग 1 माह पहले गांव के एक गरीब परिवार की विधवा और बच्चों के धर्मांतरण का खुलासा उस समय हुआ जब परिवार की एक बहू ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। यूपी पुलिस को अपने सूत्रों से धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के बारे में सूचनाएं मिल रही थी। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि ये रैकेट खासकर मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करता था। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहगंज नगर से सटे हुआ एक यहाँ पे ग्राम है, सबराहत ग्राम। यहाँ पर एक हिंदू परिवार का धर्मांतर किया गया है। एक ही परिवार से 4 लोगों का धर्मांतर किया गया है, उसमें से 3 लोग लापता हैं। आज उप जिला अधिकारी महोदय और कोतवाल महोदय से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे हम लोगों ने विनती किया है कि जल्द से जल्द उन 3 लोगों को आप धरपकड़ के ले आइए और जो भी इसमें है, जो भी इसमें लिप्त हैं, उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करें। तो धर्मांतरण के इस रैकेट के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं उसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और खोजबीन करने की कि कहीं आईएसआई से तो इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं कि जो धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनका धर्म परिवर्तन, जिन्होंने 1000 लोगों को करवाया था, उन्हीं को अब 7 दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस रैकेट में, सिंडिकेट में धन परिवर्तन के और कितने लोग जुड़े हैं और इनका कहां कहां तक तार है, क्या इनके विदेशों से इनके पास पैसे आते हैं, इन्हें फंडिंग दी जाती है, तो इन तमाम चीजों पर कार्रवाई हो रही है।
तो पूछताछ में पता चला है कि रैकेट खासकर मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराता था। तो वहीं इस खबर पर संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, किस तरह का सिंडिकेट और कितना ज्यादा फैला हुआ है ये सिंडिकेट? प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर बड़ी साजिश खुलासे बनाकर धर्मांतरण गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरोह के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जुड़े हुए जोन भी इसके साथ जुड़ने की आशंका देखी जा रही है। सारगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के सरहद गाँव में एक माह पूर्व एक गरीब परिवार की विधवा व बच्चों के साथ चार लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वही इस मामले में जब जौनपुर एसपी त्रिभुवन सिंह की हमारी बात की, उन्होंने कहा कि तहरीर प्राप्त हो गई, इसके तहत तहरीर के मामले देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ तलाश की जा रही है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जौनपुर में भी बताया हमारे संवाददाता ने किस तरह से रैकेट जो है वो जौनपुर में भी फैला हुआ है, वहां पर भी लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और खासकर मूक बधिर महिलाओं, विधवा महिलाओं, मूक बधिर बच्चों को इस पर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरे राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित हो गया है। फिलहाल यूपी में अभी कोई रोगी नहीं मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों की सीमा से सटे जिलों से बाहर से आ रहे लोगों का सैंपल लेकर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर भी पूरी सतर्कता बरती जाए, खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। उधर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सिरदर्द, सर्दी जुकाम के कारण लगातार नाक बहने और गले में हो रही खराश को नजरअंदाज ना करें। अब तक जो रोगी मिले हैं उनमें ये लक्षण पाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर भी पूरी सतर्कता बरती जाए, खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाए। उधर विशेषज्ञों की सलाह है। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से घट रहा है। अब 52 जिलों में कोरोना के 50 से कम रोगी हैं। महोबा संक्रमण मुक्त हो चुका है। इसके सहित 8 जिलों में कोरोना के 10 से कम मरीज हैं। इनमें कासगंज, कौशाम्बी, चित्रकूट, छात्रवस्ती, श्रावस्ती, हाथरस, बंदायू व हमीरपुर शामिल है। गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 229 नए रोगी मिले। अब तक कुल 17.05 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16.79 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.5% हो गई है। अब सक्रिय केस घटकर 3,552 रह गए हैं। इस खबर पर संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर विशेषज्ञ भी खतरा जमा लगातार ये दर्शाते रह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट फैलने में समय नहीं लगाएगा, तो इसको लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है, किस तरह की क्या तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल कीर्ति, आपसे बताना चाहेंगे कि आज से 2 दिन पहले ही एक केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक हुई थी जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्य अलर्ट किए गए थे। महाराष्ट्र और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ऐसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डेल्टा प्लस वेरियंट के काफी मरीज देखे गए, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया कि सभी जिले जो है तैयारी रखें। उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट, बस स्टैंड और तमाम ऐसी जगह जहां पे लोगों का आना जाना है तो उस पर क्या कहते हैं खास निगाह बनाने के लिए, उनके सैंपल लेने के लिए आदेश जारी किए हैं। वहीं जो भी राज्य उत्तर प्रदेश की राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं वहां से आने जाने वाले लोगों के सैंपल लेकर उसकी स्क्रीनिंग कराने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में क्या कहते हैं आदेश जारी किए गए हैं। तो क्या इन्हें अलग से क्वारंटाइन किया गया है जिनके सैंपल्स भेजे गए हैं? इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया, बट इनके आने जाने का डाटा, इनका सारा चीज जो है कहते हैं रेलवे रिकॉर्ड, इन सब के हिसाब से इन पे नजर, ऐसे 800 लोग हैं करीब जो क्या कहते हैं जिन पे नजर बनाई गई है। तो हाल फिलहाल कोई ऐसी चीज घटना उत्तर प्रदेश में नहीं देखी गई, लेकिन कोरोना का जो क्या कहते हैं डेल्टा वेरियंट है ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, तीसरी लहर से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 800 लोगों पर निगरानी बनी हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, जो उनके रिसर्च को लेकर कि कहीं इनके अंदर ये वेरिएंट तो नहीं है, इसको लेकर KGMU में उनके टेस्ट जो है सैंपल्स हैं वो भेज दिए गए हैं ताकि टेस्ट के बाद ये सुनिश्चित हो जाए कि ये लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं। वहीं अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में एक ईंट उद्योग कारोबारी के घर के अंदर नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते
हुए जमकर हंगामा काटा। जानकारी के अनुसार इसकी शादी 2011 में हुई थी। शादी के बाद से ही लगातार अतिरिक्त दहेज की डिमांड को लेकर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 2 साल पहले उसे घर से भी निकाल दिया गया था। समाज के लोगों द्वारा पंचायत कर बेटी को फिर से घर में प्रवेश दिलाया गया है, लेकिन फिर हुए विवाद के बाद नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 24 जून को प्रातः लगभग 7 बजे थाना बन्ना देवी पर इवेंट प्राप्त हुआ कि एक महिला की बॉडी प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।